जिला कांग्रेस द्वारा सोलन में सद्भावना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने की। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को याद किया। राजीव गांधी जयंती पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके दिखाए रास्ते पर चलने की शपथ भी ली। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने राजीव गांधी द्वारा देश के लिए उनके द्वारा किए बलिदान के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश में कंप्यूटर युग की शुरुआत की। वहीं उनके द्वारा गाँव वासियों को सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई, जिसकी वजह से आज भारत का किसान संपन्न है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने इस मौके पर कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस को देश में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सोलन में भी इस मौके पर जिला कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जहाँ उनके द्वारा देश के लिए दिए गए बलिदान को याद किया, वहीं उनकी याद में सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में फल वितरण का कार्यक्रम का आयोजन भी किया। उन्होंने कहा कि जिनके नेतृत्व में 21वीं सदी की नींव रखी गई, उन्हें आज पूरा राष्ट्र याद कर रहा है। आज भारत के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी भारत रत्न का जन्मदिवस जो है वो सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी जो है उनके जन्मदिन पर पूरे राष्ट्र में कार्यक्रम करती है। सरकार की ओर से भी सद्भावना दिवस पर कार्यक्रम होते हैं। आज इस कड़ी में हमने जो है उनकी स्मृति में मरीजों को जो हमारे यहाँ सोलन जिला क्षेत्रीय हॉस्पिटल में जो हमारे मरीज हैं उनको हमने थोड़ा फल वितरण का कार्यक्रम रखा था। उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब पंजी, मनोज जी, हरिमोहन जी, आदित्य जी, सेठी जी सारे लोग आए हैं और इस कार्यक्रम को आज हमने यहाँ पे डॉक्टर हांडा जी जो यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनको फ्रूट हैंड ओवर किए, क्योंकि आजकल कोरोना का डर है इसलिए अंदर जाना ठीक नहीं समझा तो उनको हैंड ओवर किए, वो यहाँ पे ये फ्रूट का डिस्ट्रीब्यूशन करा देंगे। आज पूरा राष्ट्र जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की थी, जिनके नेतृत्व में 21वीं शताब्दी का सपना लिया गया था, आज उनको हम याद करते हैं, उनकी स्मृति में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं।